कई साल पहले की ये बात, जब धरती पे काफी ज्यादा बढ़ गया पाप, तब दुष्टों का करने संघार, अयोध्या की नगरी पे जन्मे श्री राम। राजा दशरथ के वो ज्येष्ठ पुत्र, वो अकेले ही दानवों से कर लेते युद्ध। विश्वामित्र से मिला था उन्हें ज्ञान, वो चलाए जो बाण तो निशाना अचूक। उनके तीन और छोटे थे भाई, तीनों में प्यार और एकता समाई। स्वयंवर पे वो उठाए ऐसे बाण को, अयोध्या ने पा लिया सीता जैसी माई। पर कैकेयी माता के दिल में कुछ और, वो मंत्रा के बातों पे करके गौर। वो राजा के आगे होके उदास, याद दिलाए उन्हें पहले की बात, जब वो एक जंग पे हो गए थे घायल। माता ने उनकी जान बचा कर पाया था उनसे दो वरदान। वो आज करे दो चीजों की मांग, कि राम जी को भेजो 14 साल वनवास, और भरत को सौंप दो ये सारा राजपाट। उदास होके राजा ने दिया आदेश, पर राम जी ने इसे भी किया स्वीकार। लक्ष्मण और सीता माँ भी उनके साथ, त्याग कर दिए वो भी सारा राजपाट। जब पता चला भरत को ये सारी बात, वो कैकेयी माता से होके उदास। वो गए श्री राम से मिलने को वन, वहां पे छू के उनके चरण। वो 14 साल करेंगे इंतजार, भाई के आदेश का पालन। मैं कथा सुनाता राम सकल गुण धाम की, मैं कथा सुनाता राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री लंकापति रावण को जब पता चला राम जी के हालात, तब उनकी बहन गई जंगल प्रभु श्री राम से करने को बात। पर माता सीता का देख के रूप, वो लड़ने को उनसे हुई उत्सुक। तब लक्ष्मण ने काटी नाक उसकी, ताकि ना वो करे पास आने की भूल। जब रावण को मिली ये खबर, बहन के बदले के लिए बेसबर, वो छल से उठा लिया माता सीता को, करे पुष्पक विमान पे सफर। जटायु ने किया रोकने का प्रयास, हो गया वीर गति को प्राप्त। वो मार्ग बताया प्रभु राम को उसका, अब सफर की नई शुरुआत। उन्हें मिले महावीर हनुमान, सेनापति सुखवीर के बलवान। वो लेके गए सुखवीर के उन्हें पास, लेके मदद की थोड़ी आस। तब वानर सेना खोजे मैया को, लक्ष्मण हौसला दे भैया को। समुद्र छोर पे मिला सांपति, उसने दिखाया लंका को। बजरंग बली भी है तैयार, कर दिए उड़ के समुन्दर पार। अशोक वन में माता सीता को बताया, मैं राम दूत हनुमान। फिर लंका में मचा के उत्पाद, बन गए बंधी रावण के पास। पूछ पे आग लगाए वो उनकी, लंका कर दिए पूरा राख। मैं कथा सुनाता राम सकल गुण धाम की, मैं कथा सुनाता राम सकल गुण धाम की। अब सभी का बस एक ही सवाल, कैसे करेंगे समुद्र को पार। जल देव की पूजा कर राम सेतु का हुआ निर्माण। वही विभीषण भी राम जी के दल में, देता वो लंका की खबरें। जंगटाल न चाहे प्रभु, अंगद को भेजे वो लंका भवन में। पर रावण में अहंकार, उसको जंग ही था स्वीकार। अंगद पे वो हमला करा के शांति दूत का किया अपमान। जब हुई जंग की शुरुआत, कुंभ ने कुंभ दोनों खूखार। वानर सेना पे पड़े भारी, पर सुखवीर से गए हार। फिर हुआ कुंभकर्ण का आना, पर उसको भी पड़ा पछताना। खुद की हार देख के रावण ने चुना छल का मार्ग अपनाना। रावण पुत्र ने फिर छल से लक्ष्मण पे छोड़ा एक बाण। संजीवनी बूटी के खातिर पर्वत उठा लिए हनुमान। रावण पुत्र का भी हुआ अंत, रावण उतरा करने को जंग। दशानन
कानन लेके दसर, ऐसा लगा रावण तो है अमर। शीश कटे तो उगे वो दोबारा, रावण हंसते ही था वहां जा रहा। प्रभु ने पेट पे करके वार, लंकापति का किया संघार। माता सीता से मिलके भावुक हो गए थे भगवान, अयोध्या की ओर चल पड़े वापस। मैया सीता संग प्रभु राम, मैं कथा सुनाता राम सकल गुण।